अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ क्लासिक फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी है, जिसे आप ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं। और जितनी टेम्पलिंग ये लग रही है, उतनी आसान ही होती है। क्विक और इजी रेसिपी है ये, इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बिल्कुल कम इन्ग्रीडियंट से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दो अंडों को इस तरह एक बॉल में डाल लेंगे तोड़कर। अब अंडे में ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून दूध, साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर, इसके साथ ऐड करेंगे 1 पिंच सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी पाउडर। अब इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो दालचीनी का पाउडर आप ज़रूर डालें, क्योंकि दालचीनी के पाउडर से टेस्ट तो इन्हेंस होता ही है, इसके साथ जो अंडों की जो विसान सी महक होगी वो नहीं आएगी। अब हम इसमें इस तरह से ब्रेड को डिबो लेंगे, दोनों साइड से डिप करेंगे अच्छे से। अब इसे इस तरह से पैन में थोड़ा सा तेल डालकर फ्राई करेंगे, तेल या फिर आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे डीप फ्राई ना करें, इसी तरह से शैलो फ्राई ही करें। अब इसे पलटा लेंगे नीचे से लाल होने पर। तो ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। बस इसी तरह से हम बाकी के भी फ्राई करेंगे, अच्छे से डिप कर लेंगे, पैन में रख देंगे। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो सारे फ्रेंच टोस्ट को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारे मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।